मुझे तो स्नो वर्ल्ड काफी अच्छा लगा और काफी ह्यूज है, और यहाँ पे आप जरूर इंजॉय करेंगे। आप अपने फैमिली के साथ एक विजिट जरूर दीजिए यहाँ पे। फ्रेंड्स है, अगर आपका कोई पार्टी है, बर्थडे अगर आपका है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे स्टेयर्स के नीचे एक और एरिया है, ये गुफा है। गुफा है तो देखें, यहाँ पे एक स्टेयर्स में जाते जाते मेरी एक नजर पड़ी है स्टेयर्स में, तो सर ने बोला ये गुफा है, तो चलिए हम इसको भी देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। कहाँ से जाएगा और ये यहाँ से निकलेगा, राइट? तो चलिए हम यहाँ गुफा में चलते हैं और अंदर देखते हैं कैसा है ये गुफा। तो देखिए हम अंदर जा रहे हैं, जो आवाज है मेरी बिल्कुल एकांत में आवाज मेरी आ रही है, तो बाहर तो आवाज गूंजी थी, यहाँ आवाज बिल्कुल नहीं गूंजी। तो ये बेसिकली जो टनल है, गुफा है, यहाँ पे बच्चे काफी इंजॉय कर सकते हैं देखिए। और यहाँ पे आप जाते जाएंगे तो बच्चे अगर यहाँ पे आते हैं तो छुपन छुपाई पकड़म पकड़े यहाँ पे खेल सकते हैं। तो यहाँ से हम एग्जिट करते हैं, तो ये हमारा हो गया एग्जिट, तो काफी अच्छा है। और ये हमारा है स्नोमैन, आप देख सकेंगे, तो ये हमारा स्नोमैन है। तो देखिए ओवरऑल जो यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस था काफी अच्छा था। यहाँ पे आप जरूर विजिट कीजिए। तो चलिए हम आगे चलते हैं, और अब हमारा यहाँ पे जो पूरा जो एक्सप्लोर था स्नो वर्ल्ड के अंदर हम आपको दिखा चुके हैं। अब हम यहाँ से करेंगे एग्जिट और आपको दिखाएंगे एग्जिट करते वक्त क्या प्रोसेस होता है, किस प्रोसेस से आपको निकलना पड़ता है। देखिए आप देख सकते हैं स्नो में थोड़ा चलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जो आपके पैर हैं वो अंदर घुस जाते हैं, धस जाते हैं, तो आपको थोड़ा फास्ट मूवमेंट करने में डिफिकल्टी होती है। तो यहाँ से हम चलते हैं, और तो ये हमारा एग्जिट पॉइंट है, हम यहाँ से एग्जिट करेंगे। और यहाँ पे आपने देखा है यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जिट, तो हम यहाँ से एग्जिट करेंगे। तो यहाँ से देखिए एग्जिट होता है, डोर हैवी इसलिए लगा रखे हैं ताकि जो कूलिंग है वो अंदर ही बनी रहे, कूलिंग बाहर ना जाए। और यहाँ से हम कर लेते हैं एग्जिट, तो चलें। तो फ्रेंड फाइनली हम स्नो वर्ल्ड से बाहर आ चुके हैं, और बाहर आते ही वापस बहुत गर्मी लग रही है, अब इस जैकेट का कोई काम नहीं है क्योंकि अंदर तो बहुत ठंड थी, तो अब हम इस जैकेट को उतार देते हैं। तो आप जैसे ही एग्जिट करेंगे, यहाँ से आपका एग्जिट है, तो यहाँ पे आप अपना जैकेट उतार के आप यहाँ पे इसको सबमिट कर देंगे। उसको हमने यहाँ पे मैम को सबमिट कर दिया है, तो यहाँ पे आपका जैकेट का काम खत्म हो गया। अब रही बात शूज की, तो अब हम शूज चेंज करेंगे। शूज आपको वहीं पे उतारने हैं, जो फर्स्ट आप एंट्री के वक्त आपने देखा था काउंटर, वहां पे आप अपने जो शूज हैं उतारेंगे और अपने शूज पहन के जाएंगे। तो जैसे ही आप एग्जिट से निकलते हैं, तो यहाँ पे कुछ बच्चों के गेम्स हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा गेम जोन। तो यहाँ पे अभी हम अंदर चलेंगे और देखेंगे, जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो देखिए ये आपका बेसिकली गेम जोन है, तो बच्चे यहाँ पे अनलिमिटेड एंजॉय कर सकते हैं। और सर ये जो गेम्स है इनके क्या चार्जेस होंगे सर? ये भी वही है 50 50। तो देखिए यहाँ पे आप ऑलमोस्ट कोई भी गेम खेलते हैं तो यहाँ पे 50 रुपीज चार्ज है। आप यहाँ पे बच्चों के साथ आइए, बच्चों को अगर आप चाहते हैं कि वो एंजॉय करें, यहाँ पे देखिए शूटिंग की गेम्स है, वो भी मात्र 50 रुपए की आपकी पर हेड आपकी गेम्स है, तो बहुत ही रीजनेबल यहाँ पे रेट्स है, चार्जेस है। आप आराम से यहाँ पे शूटिंग की गेम हो, ड्राइविंग कार की गेम हो, ड्राइविंग से रिलेटेड आप कोई भी गेम यहाँ पे खेल सकते हैं। और हम आगे चलेंगे, यहाँ पे आप आराम से एयर हॉकी का भी एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पे बाइक की गेम है, बाइक भी आपको 50 रुपीज का आपको पर हेड मिलेगा। और हम आगे चलेंगे और यहाँ पे आपका आता है व्यू योर सोने फोटोज। तो देखिए जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो यहाँ पे आपको सामने DSLR कैमरा मिलेगा, तो यहाँ पे आपकी सबसे पहले फोटो खींची जाती है, तो हम भी एक फोटो खिंचवाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपकी फोटो खिंचाई जाएगी एग्जिट करते वक्त, आपको वहां पे एक काउंटर दिखाई देगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपका काउंटर है फोटोज का, तो यहाँ पे आप जो फोटोज हैं अपनी आप फोटोज देख सकते हैं, और अगर आपको फोटो पसंद आई तो आप यहाँ से फोटो निकलवा सकते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं, तो अभी जो फोटो इन्होंने जो स्टाफ है उन्होंने फोटो खींची थी, तो देखिए फोटो ऐसा आ जाता है एडिट करके आप पीछे, बिल्कुल जैसे आप स्टेशन में खड़े हैं। तो आपके ऊपर चॉइस है, अगर आपको ऐसी है, जैसे सपोज आपको अगर फोटो पसंद आई
तो आप यहाँ पे आप अपनी एल्बम भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये एल्बम है, अगर आपको ये पसंद आती है तो आप ये देखिए स्नो वर्ल्ड की पूरी एल्बम है, इसमें आप यहाँ पे एक फोटो लगेगी। इसके जो चार्जेस है जब आप यहाँ पे आएंगे, क्योंकि इसके चार्जेस चेंज होते रहते हैं, तो मैं आपको एग्जैक्टली इसके चार्जेस अभी नहीं बता सकता। तो काफी देखिए सुंदर है, आप इस तरीके से आप अपनी फोटो आप लगवा सकते हैं। और बाकी ये देखिए काफी सुंदर सा है, आप इसमें भी अपनी जो फोटो है आप लगवा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अलग अलग चीज है, जैसे बॉटल्स है काफी, ये शेकर है, तो जैसे आपके बच्चे हैं शेकर जैसे पसंद करते हैं, तो शेकर के साथ साथ देखिए अगर आपके बच्चों की भी फोटो लगती है तो काफी सुंदर लगता है पूरा। देखिए आपको एनवायरनमेंट एक यादगार भी चीज होती है कि आप स्नो वर्ल्ड गए थे, तो काफी कूल चीज है। और अगर आप चाहते हैं देखिए की चेन में, तो जैसे बाइक वगैरह है की चेन, तो देखिए आप अपने स्नो वर्ल्ड की जो यादें आप इसमें भी डाल सकते हैं। ये देखिए स्नो वर्ल्ड की आप अपनी फोटो यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइसेस हैं। और यहाँ पे अगर आपको सिंगल फोटो चाहिए तो देखिए कितनी सुंदर फैमिली है, तो अगर आपको सिंगल फोटो अगर आपको चाहिए तो आप अपनी सिंगल फोटो भी ले जा सकते हैं। तो प्राइसेस काफी रीजनेबल है, जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप यहाँ पे पता करिएगा, तो आप आराम से इसको अफोर्ड कर सकते हैं और आप अपनी फोटोज यहाँ से आप ले जा सकते हैं। तो चलिए हम और भी यहाँ पे लोग हैं, कस्टमर्स हैं, हम उनसे भी फीडबैक लेते हैं और उनसे पता करते हैं उनको स्नो वर्ल्ड कैसा लगा। तो चलिए, सर मेरा नाम शिवानी त्यागी है, सर मैं गाजीबाद से हूँ। हाँ जी सर, हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए और हमें यहाँ के बहुत ही अच्छा लग रहा है। सर ये मेरी सिस्टर इन लॉ है, इनके बेटे हैं, और ये मेरी मतलब ब्रदर इन लॉ की बेटी है, ये इनकी बेटी और ये मेरी बेटी है, मतलब फैमिली के साथ आए हैं। वो सर हमने यूट्यूब पे ही देखा था, जैसे कि हम यूट्यूब वीडियो देखते हैं उनके थ्रू ही हमें पता चला, शॉर्ट वीडियो मेरी बेटी देखती है ज्यादातर, तो उसी के थ्रू पता चला, यही देखते ज्यादातर यूट्यूब। सर ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और हमें बहुत बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। बिल्कुल सर, हम उनसे बिल्कुल इस बारे में डिस्कस करेंगे और उनसे यही कहेंगे कि एक बार जाके जरूर देखें यहाँ पे आके। वंशिका त्यागी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और जैसे कि हमारा फर्स्ट टाइम था, दैट्स वेरी गुड। और मैं अपने फ्रेंड्स को भी एडवाइस करूंगी कि वो एक बार यहाँ जरूर आए। मेरा नाम भवि त्यागी है, मुझे मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मैं अपने फ्रेंड्स को भी एडवाइस दूंगी कि यहाँ पे आकर जरूर ट्राई करें, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और राइड्स ट्राई करिए, वो एक वाली नहीं की वाली। आयुष त्यागी, यहाँ बहुत अच्छा लगा के। मेरा नाम सत्यम है, आई एम फ्रॉम कुरुक्षेत्र। इसको हमने गूगल पे सर्च किया था, तो हमने देखा कि हमारे नियर बाय में जो जितने भी वाटर पार्क है, हमने सबके रिमार्क्स देखे और सबकी पिक्चर्स चेक करी, तो हमें ये गूगल के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट लगा, तो हम यहाँ पर हमने विजिट किया। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है राधिका, ये भी कुरुक्षेत्र से है, एंड ये दिखने में छोटी लग रही है लेकिन ये हमारी टीचर है। अच्छा, ये हमें लेकर आई है। ओके, ये हमारी कुकिंग क्लास की टीचर है, एंड ये उनकी मम्मा है। ओके, इनकी कुकिंग स्कूल की प्रिंसिपल। ओके, एंड ये हमारे साथ ही स्टूडेंट है वहाँ पे, इनका नाम है श्रेया, ये भी अब हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है। ये हमारा फर्स्ट विजिट है, भी पहले तो हमें ये एक्सपीरियंस आज नैना बताएगी क्योंकि वो ही हमें यहाँ पे लेके आई है। सर नैना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ के, काफी अच्छा लगा, काफी नाइस एक्सपीरियंस था। ओवरऑल ठंड लग रही है, बहुत ज्यादा ही ठंड है, काफी नाइस है। पहले हम अंदर आने के लिए एक्साइटेड थे, अब हम बाहर जा रहे हैं। सीरियसली अब बाहर जाना है, बहुत ठंड लग रही है। हम रिकमेंड पक्का करेंगे आने के लिए। श्रेया, एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, आई एम अ टीचर बट पूरा दिन हमारा बिजी रहता है, लेकिन आज वीकेंड संडे एंजॉय करके बहुत मजा आया, पूरा दिन रिलैक्स हुआ, बहुत ही मजा आया, सब फ्रेंड्स हैं, सबके साथ बहुत मजा आया। आई एम राधिका, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो वेरी हैप्पी यहाँ पे आके, इट्स वन ऑफ द अमेजिंग एक्सपीरियंस वी ऑल हैड, और आई थिंक ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिससे यू फील सो रिलैक्स्ड, एंड अब ऐसा लग रहा है कि हमें वीकेंड्स पे ऐसी जगह विजिट करना चाहिए। थैंक यू सो मच, टू गुड। अभी जो सिनेरियो है, वी कांट गो टू एनी ऑफ द हिल स्टेशंस, बट स्टिल वी आर एक्सपीरियंसिंग द सेम एक्सपीरियंस, आई एम सो एक्साइटेड, एंड वी ऑल आर सो वेरी हैप्पी। We love Snow World! आप लोग जरूर विजिट कीजिए। मेरा नाम गोविंद है, दिल्ली से। मेरा ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत एंजॉय किया यहाँ पे आके, और मैं रिकमेंड करूंगा और भी जितने भी अगर देख रहे हैं उनको कि आप स्नो वर्ल्ड जरूर आए, एक बार पूरी फैमिली के साथ आए, मम्मी पापा सिस्टर। और मेरा नाम चंचल है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय करा हम सब ने। हाँ, मैं सबको बताऊंगी, अपने फ्रेंड्स को बताऊंगी कि आए यहाँ पर और एंजॉय करें, हम दोबारा भी आएंगे। मेरा नाम संतोष कुमार है, बहुत अच्छा लगा सर।
Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. You don't know how. You say we're taking on water. Yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। इसी तरीके की और भी एंटरटेनिंग वीडियोस मैं आप तक पहुंचाऊंगा। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो देखिए, आज मैं आया हूँ मूर्थल सोनीपत के स्नो वर्ल्ड में। आपको मैंने दिखाया है यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं, हमने उनसे फीडबैक किया है। यहाँ पे हमने देखा आपको स्नो वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। आप अपने बच्चों के साथ आ सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स किसी के साथ भी आ सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, आप उसके भी आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्नो वर्ल्ड का जो कॉन्टेक्ट नंबर है और एड्रेस है वो मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके अपनी जो भी क्वेरीज हैं आप कर सकते हैं। और जो यहाँ पे प्राइसेज हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस हैं। और यहाँ पे आप आई एम श्योर यहाँ पे अगर आप एक बार विजिट करेंगे तो आप जरूर एंजॉय करेंगे। ये मूर्थल सोनीपत का स्नो वर्ल्ड है, बहुत ही पॉपुलर नोन है। अगर आप इसको कहीं पे भी गूगल भी करेंगे, यूट्यूब में भी बहुत सारी आपको वीडियोस मिलेंगी। तो आज मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैं पहली बार यहाँ पे स्नो वर्ल्ड विजिट करा है तो मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वाकई बहुत ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर है। आप यहाँ सोनीपत में रह के ही आप हिल स्टेशन का मज़ा ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अंदर म्यूजिक भी बजता है, खाने पीने की चीज़ यहाँ पे आपको सारी जो सुविधाएं हैं आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो आपको यहाँ पे ज़रूर एक विजिट आपका ज़रूर बनता है। तो आप यहाँ पे विजिट ज़रूर कीजिए और स्नो वर्ल्ड का आप मज़ा उठाइए, इसको एंजॉय कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप आते हैं, अगर आप हमारे चैनल सागर ज्योति एंटरटेनमेंट अगर आप हमारे चैनल का नाम लेते हैं तो यहाँ पे आपको एडिशनल 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो आपने सही सुना, अगर आप यहाँ पे आते हैं हमारे चैनल का नाम लेके तो आपको एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपने खूब इंजॉय करा होगा। जितनी मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे जो एक्सप्लोर करना था, जो मैक्सिमम चीज़ें स्नो वर्ल्ड में मैं आपको दिखा सकता था वो मैंने आपको दिखाई। और होप आप यहाँ पे एक बार ज़रूर विजिट करेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। टिल देन सी यू, टेक केयर।